नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बोले, बंदूक की नली से स्कूल और अस्पताल नहीं बन सकते, हम बातचीत के लिए है तैयार। बीजापुर जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 12 नक्सलियों को मार गिराया है। इसे लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया है। उन्होंने नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है, साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए नक्सलियों से मुख्यधारा में जुड़ने की अपील करते हुए सरकार से आमने सामने बैठकर बात करने की अपील भी की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मैं फिर सभी से अपील करता हूं कि नक्सलवाद की इस काली छाया का हल बातचीत से निकला जाए। हम चाहते हैं कि बस्तर के हर गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बंदूक की नली से स्कूल और अस्पताल नहीं बन सकते, इस बात को सबको समझना चाहिए। बस्तर के लोगों को क्यों बंधक बनाकर रखा जाए, इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए और यह बहुत आवश्यक है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि चाहे एक नक्सली हो, छोटा ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, सीएम विष्णु देव की सरकार हाथ जोड़कर उनसे चर्चा करने के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि वे किसी भी माध्यम से, चाहे तो वीडियो कॉल या किसी मीडिएटर के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। पुनर्वास की अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उनसे आग्रह है कि वे मुख्य धारा में लौटें और समाज के साथ आगे बढ़ें। बस्तर में शांति हो और विकास हो।